नमस्कार, मैं प्रियंक गुप्ता बात कर रहा हूँ। चैनल देखता हूँ मैं आपसे, काफी इम्प्रेस होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, काफी ज्यादा नॉलेज मिलता है मुझे उससे। सर मेरा एक्चुअली एक सवाल था हुडको के लेके। मेरा एक्चुअली बाइंग है 222 और शेयर है मेरे पास 502। अभी अभी बाइंग किया है मैंने उसे। अच्छा, अभी किया है? मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म। यस सर, अभी कुछ टाइम ही हुआ है, लास्ट 1 वीक में ही। ओके, तो मुझे इसे लॉन्ग टर्म में रखना है, तो मैं इसे कब तक रख सकता हूँ? सरवेन जी, हुडको अभी खरीदा एक दो हफ्ते पहले, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है इनको, तो क्या राय बनती है? देखिए, क्लासिक केस है, आई थिंक ट्रेड में थोड़ा लेट आए हैं मेरे हिसाब से। ये अगेन ये एक बहुत डार्लिंग शेयर रहा है, पहले चला नहीं था, बहुत लोगों को निराश किया और अब 30 रुपए से लेके नॉन स्टॉप 200-210 तक ये जो गया है अभी, तो आई थिंक काफी रिटर्न ऑलरेडी इसने लास्ट 1.5-2 साल में दे दिए हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ से आउट परफॉर्मेंस होगी ऐसा मेरा मानना नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में अगर ये बोल रहे हैं तो कहीं इनको डेफिनेटली एक, जैसे मैं सबको बोलता हूँ कि आपके पास एक कट ऑफ प्राइस होना चाहिए कि भाई जहां से आपने लिया वहां से आप स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे। सो 15-20% अगर एक मैक्सिमम जाऊंगा एक लॉन्ग टर्म में, तो वो इनका इसमें डेफिनेटली स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से होना चाहिए। भाई ये 12-18 महीने होल्ड करना चाहते हैं, बन किन्हीं कारणों से 30-40 रुपए अगर ये टूट जाता है तो इनका ट्रेड खतरे में आ जाएगा ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी तो राय रहेगी कि टाइमिंग स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बट टाइमिंग यहाँ पे इनकी लॉन्ग टर्म में गलत है। स्टॉक ऑलरेडी 7-8x होके आया है। अगर 180 का स्टॉप लॉस लगाएं जी और फिर 2 साल के लिए होल्ड करें, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब अगर उनका वो रिस्क एपेटाइट है, अगर 20% कैपिटल पे ड्रॉडाउन बेयर कर सकते हैं और ये उस माइंडसेट के लॉन्ग टर्म प्लेयर। प्रियंक जी, कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं इसको? नो इशू सर, पेशेंस है मेरे पास, प्रॉपर पेशेंस है, आराम से रुक सकता हूँ 2-3 साल, कोई इशू नहीं है। नहीं, बट 180 रुपए का स्टॉप लॉस बजाने का आपके पास हिम्मत है? पेशेंस तो एक अलग चीज होती है। नो इशू सर। ठीक है, होल्ड करिए फिर, होल्ड करिए। ओके, 180 के आसपास स्टॉप लॉस रखिएगा और इसको होल्ड करिएगा।